हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस एन फूड। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लेमन टी की रेसिपी। तो नींबू वाली चाय बनाने वाले हैं आज हम। तो गाइस, लेमन टी बनाने के लिए मैंने इस पतीले में 4 कप पानी डाला है। आपको जितने भी लोगों के लिए बनाना हो, जितना बनाना हो उतना कप पानी डालें। अब इसमें चीनी डालेंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम पीते हो मीठा तो कम डालें। मैं यहाँ 4 चम्मच डाल रही हूँ चीनी। गाइज, हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। तो चाय पत्ती गाइज आप देख लीजिए, ये हम एकदम थोड़ा सा, एक चुटकी भर या एकदम थोड़ा सा कुछ दाने हैं ये इतना ही डालेंगे, 1/4 टीस्पून है। तो अगर आप चाय पत्ती ज़्यादा डालेंगे ना गाइज तो ये कड़वा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा ही डालना है। अब हम इसमें गाइज 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, काली मिर्च का पाउडर। आप कूट के भी डाल सकते हैं या फिर रेडीमेड जो पैकेट आता है वो भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ही हम काला नमक डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, खट्टा मीठा हमारा नींबू का चाय बनेगा। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो गाइज, अब भी हमें इसे थोड़े देर तक खोलाएंगे, कलर चेंज होने तक। ज़्यादा नहीं खोलाएंगे, ज़्यादा बॉईल करने से कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा देर तक हम सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। गाइज ये देखिए, कलर चेंज हो गया है चाय का। अब इससे ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। अगर आप में से किसी को थोड़ा कड़क पसंद हो स्ट्रांग तो आप कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद हम इसमें ये लेमन जूस डालेंगे। तो ये 1 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, मिक्स कर देंगे। गैस बंद करने के बाद गैस डालना है, पहले नहीं डालना है। और अब मैं इसे छान के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, चाय को मैंने छान लिया है कप में। और ये एक बार आप ये चाय लेमन टी की रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा, खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। दूध वाली चाय तो बहुत पीते होंगे आप, एक बार ये अगर नहीं पीते हैं तो ट्राई करिएगा। और गाइस, इसके लेमन टी के तो हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो लेमन टी आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करता है, अच्छा होता है। और गाइस, आप चाहें तो इसमें, अगर डायबिटीज पेशेंट है या फिर ऐसे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो शुगर के जगह पे आप शुगर फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये रेसिपी ट्राई करिएगा, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।